चलिए इसी के साथ रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र के अंबरनाथ से, जहां बैलगाड़ी दौड़ को लेकर दो गुट भिड़े और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ताबड़तोड़ गोलियां चली। दोनों तरफ से करीब 20 राउंड फायर हुए। मामले में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता दें अंबरनाथ से, जहां बैलगाड़ी दौड़ को लेकर दो गुटों में भिड़ंत हो गई और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली। बता दें एक नहीं दो नहीं बल्कि 20 राउंड फायर हुआ और मामले में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो बड़ी खबर आपको अंबरनाथ से बता रहे हैं, जहां बैलगाड़ी दौड़ को लेकर दो गुटों में भिड़ंत हो गई है और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि ताबड़तोड़ गोलियां दोनों तरफ से चली हैं। बता दें पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। इसी के साथ इस खबर पे अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता मुंबई से संतोष मोरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, अंबरनाथ में बैलगाड़ी दौड़ को लेकर इतना ज्यादा विवाद बढ़ गया कि गोलियां चली, तो किस बात को लेकर इतना विवाद बढ़ा और कौन थे दो पक्षों के लोग? अस्मिता, जिस प्रकार से इंडियन बता रहा है कि जो बैलगाड़ी की जो शर्त के चलते वो जो पूरा विवाद शुरू हुआ था, उसके बाद दो गुटों में जो आमने सामने आए थे उन्होंने 20 राउंड फायरिंग की हवा में किए। इसमें अभी तक फिलहाल में कोई जख्मी है इस प्रकार की तो कोई जानकारी अभी सामने आई नहीं है, लेकिन ये पूरी मामले की जांच अमरनाथ पुलिस अभी कर रही है और फोन सीसीटीवी फुटेज और जो वायरल जो वीडियो हुआ है उसके माध्यम से आरोपी और जो फायरिंग करने वाले जो लोग है उनको खोजने का जो काम है वो अभी तक अमरनाथ पुलिस कर रही है। लेकिन बैलगाड़ी शरीर के ऊपर से जो ये पूरा विवाद शुरू हुआ था, बात ये भी इसमें मानी जाती है कि राज्य के जो सीएम है एकनाथ शिंदे वो इसी थाने से आते हैं और ये पूरा जो जिला है थाने उनमें उनका प्रभावशाली व्यक्तिमत्व और उनका जो प्रभाव है पूरे जिले में माना जाता है, लेकिन उनके ही सीएम के ही जो प्रभावशाली जो जिला है थाने उस परिसर में इस प्रकार की दिन दहाड़े जो फायरिंग की जो घटना है वो सामने आ रही है। इसलिए विपक्ष की ओर से कई तभी राज्य में गृह विभाग किस प्रकार से काम कर रहा है इसके ऊपर भी सवाल उठा रहा है। जी बिल्कुल, और फायरिंग जो है 20 राउंड हुई है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं होती कि खुलेआम जो है इतनी कोई फायरिंग कर ले। तो पुलिस अभी तक क्या करी? अभी तक लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है जो इसमें शामिल थे? नहीं, अभी तक किसी आरोपी को इस मामले में अभी तक अरेस्ट किया गया नहीं है। यही मामले की जांच पुलिस कर रही है और सीसीटीवी जो परिसर की जो सीसीटीवी है उसके माध्यम से ये कौन लोग है, कहां गए और किस प्रकार से इन्होंने फायरिंग किया और ये जो राइफल जिससे फायरिंग किया वो लाइसेंसधारी है देशी कट्टे, ये भी पूरा मामला अभी सामने आने वाला है। लेकिन जो बात सामने आ रही है कि सीएम के ही जिले में इस प्रकार की बात हो सकती है, तो गृह विभाग क्या कर रहा है इस पर भी अभी शंकाएं विपक्ष की ओर से उठाई जा रही है और ये मुद्दों को लेके आने वाले दिनों में विपक्ष आंदोलन भी करने की आशा रख रहा है। जी बिल्कुल, ये खबर जो है इस तरह की खबर बड़े सवाल खड़े करती है शासन प्रशासन पर कि खुलेआम जो इस तरह की वारदातें सामने आती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमने आपको अंबरनाथ से खबर बताई जहां बैलगाड़ी दौड़ को लेकर दो पक्षों में इतना विवाद बढ़ गया कि ताबड़तोड़ फायरिंग चली, 20 राउंड फायरिंग हुई है ऐसी खबरें आ रही है और मामले में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं आई है, मगर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।